डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 बुक ग्रेट फन विद ग्रामर का लेसन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन टैग होते क्या हैं। एक्चुअली हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम इसका केवल रिवीजन करेंगे। इन इंग्लिश पीपल ऑफन मेक अ स्टेटमेंट एंड देन एड अ क्वेश्चन एट द एंड। इंग्लिश में क्या होता है, लोग अक्सर एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसके बाद ही क्वेश्चन पूछ देते हैं अंत में। जैसे पीटर वर्क्स हार्ड, पीटर कठिन काम करता है, डजंट ही, क्या नहीं करता? तो इस टाइप से पूछा कि आप चाय पियोगे, पियोगे या नहीं, तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो शी केम होम लेट, डिडंट शी, ही डज नॉट लाइक रीडिंग, तो ऐसे पूछ लिया जाता है डज ही, शी कांट सी वेरी वेल, तो उसका आंसर हो सकता है कैन शी। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस अ स्टेटमेंट फॉलोड बाई अ रिलेटेड क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। जब एक स्टेटमेंट को एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा पूछ दिया जाता है तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है यू आर कमिंग टुमारो, आरंट यू, और पॉजिटिव इसका क्या बनता है, शी वॉन्ट हेल्प अस, विल शी, लेफ्ट साइड शी स्पीक्स इंग्लिश, डजेंट शी, राइट साइड यू शुडंट टेल लाइक दिस। आप वीडियो को रोक कर या पॉज करके इसकी पूरी लिस्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और बोल के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा हम अपनी पहली एक्सरसाइज। एड एप्रोप्रिएट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग। इन सब में हमको एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है एंड राइट द करेक्ट शॉर्ट आंसर, और इसका हमें शॉर्ट आंसर भी लिखना है, जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर किया हुआ है। तो हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं बेटा। दे हैवंट हैड टी येट, तो इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैव दे, और इसका ऐसे भी बन सकता है नो दे हैवंट। नंबर 3, वी कांट क्रॉस द स्ट्रीट हेयर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैन वी, क्वेश्चन पूछने के लिए, और इसका दूसरा आंसर बन जाएगा नो वी कांट। नंबर 4, शी डज नॉट एक्सरसाइज, तो ऐसे पूछ सकते हैं इसे डज शी, और उसके बाद नो शी डजेंट। नंबर 5, उसेन डिड नॉट विन द रेस, तो इसको पूछा जा सकता है डिड ही या नो ही डिडेंट। नंबर 6, दे वोंट हेल्प अस, क्वेश्चन बनेगा विल दे या नो दे वोंट। नंबर 7, दे आरंट दैट फुलिश, इसका आंसर बन जाएगा आर दे या नो दे आरेंट। नंबर 8, ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द पार्टी, तो इसका बनेगा वॉज ही और नो ही वॉजेंट। नंबर 9, दे डिड नॉट कम टू द मीटिंग, डिड दे, नो दे डिडेंट। नंबर 10, द बॉय वुडेंट स्पीक द ट्रूथ, तो इसका बन जाएगा वुड ही और No, he wouldn't. अब भी एक्सरसाइज करना है बेटा। एड एप्रोप्रिएट नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स, अब इसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाने हैं और उनके करेक्ट शॉर्ट आंसर लिखने हैं। तो पहला आपको किया हुआ है, हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन वेल, तो नेगेटिव बनाना, तो हैवंट दे, इसका पॉजिटिव बन जाएगा यस दे हैव। नंबर 3, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, मस्टेंट वी, और दूसरा हो जाएगा यस वी मस्ट। नंबर 4, वी शुड हेल्प हर, शुडंट वी, और उसका दूसरा आंसर बन जाएगा यस वी शुड। नंबर 5, शी विल विजिट अस टुमारो, इसका बन जाएगा वोंट शी, और दूसरा आंसर बन जाएगा यस शी विल। नंबर 6, योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव गॉन टू देयर विलेज, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा हैवंट दे, और पॉजिटिव बन जाएगा यस दे हैव। नंबर 7, शी स्पीक्स उर्दू, डजंट शी, और इसका आंसर दूसरा बन जाएगा यस शी डज। नंबर 8, वी मस्ट लीव सून, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा मस्टेंट वी, और पॉजिटिव बन जाएगा यस वी मस्ट। नंबर 9, ही यूजुअली कम्स होम लेट, इसका बन जाएगा डजंट ही, और दूसरा हो जाएगा इसका यस ही डज। नंबर 10, शी राइड्स अ मोटरसाइकिल, उसका बन जाएगा बेटा डजेंट शी,
और उसका दूसरा बन जाएगा यस शी डज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कॉमन एरर क्या होती है, ज़्यादातर एडिटिंग में यही आता है 8, 9, 10th में। एरर इन यूजिंग क्वेश्चन टैग ऑफन अकर व्हेन वी फॉरगेट टू मैच द वर्ब इन द स्टेटमेंट। यदि हम वर्ब को मैच करना भूल जाते हैं तो हमारी एरर जरूर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इनकरेक्ट में, ही में कम वोंट ही, इसका करेक्ट बन जाएगा ही विल कम वोंट ही। जैसे दूसरा है यू कैन ड्राइव डोंट यू, यू कैन ड्राइव कांट यू। नंबर 3 शी लाइक्स यू डोंट शी, शी लाइक्स यू डजंट शी। नंबर 4 दे नो द वे डू दे नो द वे डोंट दे। इनकरेक्ट में लास्ट एन ऑस्ट्रिच कांट फ्लाई डज इट, करेक्ट क्या बनेगा एन ऑस्ट्रिच कांट फ्लाई कैन इट। तो बेटा वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मैं इन बुक्स का लगातार सॉल्यूशन बना रहा हूँ कुछ बच्चों की डिमांड पर, और यदि आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, किसी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी क्लास की हो, तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर।